Welcome back to the second part of lesson 7 of 8th class A Visit to Cambridge. Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside, the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something. ह्यूज एंड अर्जेंट इट इज़ हार्ड टू टेल वट हम ये पढ़ चुके थे कि फिरदोस कांगा इंटरव्यू ले रहे थे स्टीफन हॉकिंग का तो उन्होंने जब उसे पहली बार देखा तो ऐसा देखा जैसे वो मैगजीन में उनकी पिक्चर्स देखा करते थे तो वो ये बता रहे थे कि पहली बार देखने पर ऐसा लगा कि जिस तरह से मैगजीन की ही पिक्चर को थ्री डायमेंशनल में चेंज कर दिया हो मींस वो एक लिविंग पर्सन थे तो लिविंग पर्सन थ्री डायमेंशनल पिक्चर की फॉर्म में दिखाई दे रहे थे तब आ उसने देन यू सी हेड ट्विस्टेड साइडवेज इन टू अ स्लम्प तब आप उसके सिर को एक तरफ उस मुड़ा हुआ देखा द टोरसो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट टोर्सो मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी उनका जो अपर पार्ट था बॉडी का वो हल्के ब्लू कलर की शर्ट के अंदर श्रिंक हुआ हुआ था मीन्स सिकड़ा हुआ था द वेस्टेड लेग्स यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक उनकी टांगे भी श्रिंक हो गई थी और आप उसकी आँखों में देख सकते थे उन मतलब उनकी आँखें ऐसी लगती थी जैसे वो कुछ बोल सकती हूँ स्टिल एंड दे आर सेंग सम ही अर्जेंट वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ बट इट इज़ हार्ड टू टेल बट पर ये बताना मुश्किल था कि उनकी आंखें क्या कहना चाहती थी बट यू आर शेकन बिकॉज़ यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थाट कुड बी सीन कहता है पर आप शेकन हो जाओगे हिल जाओगे क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ देखी जो आज से पहले आपने कभी ना देखी हो बिफोर यू लाइक अ लैंटन हुज़ वॉल्स आर वॉर्न सो थिंग दैट यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इन साइड इज द इनकेंडेंसेंस ऑफ अन कहता है आपके सामने बिफोर यू आपके सामने एक ऐसे आदमी की एक ऐसे इंसान की ऐसे पर्सन की आत्मा की चमक मतलब लाइट इन साइड अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन कोई दिया वगैरह होता है लालटेन एक लाइटिंग सोर्स है जिसके ऊपर कांच की एक चिमनी सी लगी होती है जो बहुत ही पतले कांच की होती है तो और उसकी दीवारें इतनी पतली होती हैं तो कहता है उसके अंदर की जो रोशनी होती है कांच के अंदर जो लाइट चल रही होती है लालटेन की दिए की वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है उसी तरह से वो जो स्टीफन हॉकिंग है वो भी इसी तरह दिखाई दे रहा था द बॉडी ऑलमोस्ट इलिवेंट एग्जिस्ट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ़ शेडोज उसका शरीर उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसे दिख रही थी जैसे कि परछाइयों से बनी हो शेडो से बनी हो सो दैट आई नो बिलीवर इन अटर्नल सोर्स नो दैट दिस इज़ वट ईच ऑफ एस इज़ एवरी थिंग एंड असेसरी मतलब उनका उनकी जो बॉडी है ऐसे लग रहा था बिल्कुल बेकार हो गई है मानो परछाइयों से बना हुआ कुछ कोई चीज हो और कहता है मैं सो दैट आई नो बिलीवर इन अटरनल सोल्स कहता है मैं आत्मा सोल होती है आत्मा मैं आत्मा में विश्वास नहीं रखता नो दैट दिस इज़ वट ईच ऑफ एस इज़ और ये जानता हूँ कि हम में से हर कोई ही ऐसा है एवरीथिंग एल्स एंड नेसेसरी हर कोई अननेसेसरी मीन्स एन असेसरी जैसे हर कुछ कुछ भी फालतू की चीज़ है बेकार वेस्ट चीज़ है वट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बींग डिसबल्ड आई हैड आस्ट हिम अर्लियर मैं उनसे मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था कि आपके आप क्या सोचते हो कि एक डिसेबल्ड हैंडी कैप्ड होने में सबसे अच्छी बात क्या है आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी थिंग गुड अबाउट बींग डिसेबल्ड तो उसने कहा मैं ऐसा मानता हूँ मतलब मैं नहीं मानता कि डिसेबल होने में कोई अच्छी बात भी हो सकती है आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ड तो उस मैंने कहा हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ आप पता लगा लोगे कि इस इस पूरी दुनिया में इस पूरे वर्ल्ड में कितनी काइंडनेस है मीन्स लोगों के अंदर कितनी दयालुता कितनी काइंडनेस है यस ही सेड इट वॉज अ डिसएडवेंटेज ऑफ हिज वॉइस वॉइस सिंथिसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इनफ्लैक्शन हाँ उसने कहा यहाँ पर उनकी आवाज़ को यहाँ पर उनकी आवाज़ को पहचानना मीन्स उसका इवेलुएशन करना बहुत ही आ, उन उसकी उसकी आवाज़ का इवेल्यूशन करना बड़ा ही मुश्किल होगा क्योंकि दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन नो शेड्स और टोन क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी उसमें कोई इन्फ्लेक्शन कोई शेड कोई टोन मीन्स लो होना या हाई होना वॉल्यूम का ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा था एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथ्यूजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी और कहता मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ कि वो कितनी एंथ्यूजियास्टिकली मीन्स जोश से वो मेरी आवाज़ मेरी बात को समझ रहे थे मुझसे एग्री थे या नहीं थे एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई कार और टर्न माई रेस्ट टू वॉच द टाइम कहता है हर बार मैं अपनी चेयर पर बैठे बैठे घूम जाता या टाइम देखने के लिए अपनी रिस्ट अपनी कलाई को जैसे रिस्ट वॉच उसने बांधी होगी तो रिस्ट को टर्न करता टाइम देखने के लिए आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर थर्टी मिनट्स काउंट तो कहता है मैं अपने उस थर्टी मिनट को थर्टी मिनट के टाइम का एक एक, एक, -एक पल जो है यूजफुल बनाना चाहता था क्योंकि उसे स्टीफन हॉकिंग के इंटरव्यू के लिए थर्टी मिनट्स का टाइम ही मिला था तो वो उस हर एक एक उसके एक एक मिनट को यादगार बनाना चाहता था आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ एंड एग्जिलेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी हाउ लिटल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड कहता है अब आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ मतलब अपने बारे में सोच कर अपनी अपनी बॉडी की पॉसिबिलिटीज़ को देख कर कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या वो क्या नहीं कर सकते हैं ये देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही थी हाउ लिटल इट मैटर्ड कहता है ये बात तो कोई मायने ही नहीं रखती थी मतलब इस बात का कोई मतलब ही नहीं था कि मैं चल ना तो चल सकता था ना मैं खड़ा हो सकता था आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्परेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थाट हेल्प हिम मैंने उसे बताया कि वो किस तरह से लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्परेशन बने सोर्स ऑफ इंस्परेशन जिससे कि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले और मतलब मेरे लिए भी और बाकी के लोगों के लिए भी डिड दैट थाट हेल्प हिम क्या इस थॉट ने उनकी कोई हेल्प की नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क और कहता है मुझे फिर बाद में लगा कि मैं कितना फुलिश कितना मूर्ख था मैंने ये बात पूछ ली वेन योर बॉडी इज क्लोस क्लस्ट्रॉफिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरो डे बाई डे इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरीशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल कहता है कलस्ट्रोफिक एक ऐसा एक ऐसा रूम जिसके अंदर दम घुटता हो जिसके अंदर हमें सांस लेने में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती हो तो वो कहता है जब आपकी बॉडी एक ऐसे दम घुटने वाले कमरे की तरह हो जाए ऐसे रूम की तरह हो जाए एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे और उसकी दीवारें दिन बर दिन छोटी होती जाए मतलब नैर टाइट होती जाएं इट डजेंट डू मच गुड टू नो तो कहता है ऐसी बात अच्छी नहीं लगती कि बाहर दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपको सांस लेता हुआ देखकर कर मीन्स आपको लिविंग देखकर खुश हो रहे हों इज़ देयर एनी एडवाइज़ यू कैन गिव डिसबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर मैंने पूछा क्या आप डिसेबल्ड लोगों को कुछ कहना चाहोगे कि वो भी कोई ऐसी बात कि जिससे वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें दे शुड कंसनट्रेट ऑन वट दे आर गुड एट आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम तो उसने कहा उसने कहा मैं सोचता हूँ कि लोगों को उसी चीज़ पर कंसनट्रेट करना चाहिए उसी टॉपिक पर या उसी फील्ड पर अपना कंसंट्रेट, uh, अपना माइंड वही रखना चाहिए जिसमें वो बहुत ही अच्छे हों ऑन दे वर गुड एट जिसमें वो बहुत ही जैसे कि मास्टर हों या जो काम करने के लिए वो एबल हों आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसबल्ड ओलम्पिक्स आर अ वेस्ट ऑफ़ टाइम कहता है मेरे मेरे व्यूज़ में कि जो डिस लोग हैं उनके लिए अगर ओलंपिक की बात की जाए तो ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होगा आई नो वट यू मीन कहता है मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर than आई वॉज़ कहता है मुझे वो साल याद हैं जब मैं स्पेनिश गिटार सीखने की बहुत कोशिश करता था जो कि साइज़ में मेरे से बहुत बड़ा था मुझसे बहुत बड़ा था साइज़ में और किस तरह से मतलब वो बहुत उसको सीखने के लिए एक जो पैशन की तरह उसको सीखना चाहते थे स्पेनिश गिटार बजाना चाहते थे एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट और एक रात उन्होंने जिद पकड़ ली कि आज तो मैं इस गिटार को सीख कर रहूँगा तो वो सारी रात उस गिटार को चलाते रहे और फाइनली हुआ क्या उस रात उन्होंने उस गिटार को सारा का सारा अनस्ट्रिंग कर दिया मीन्स उसकी जो तारें थी वो सब खोल दी द हाफ हार वॉज अप आई थिंक आई हैव annoyed यू इनफ आई said, ग्रीनिंग थैंक यू फॉर तो अब आधा घंटा बीत चुका था तो मैं सोचता हूँ मैंने आपको बहुत तंग किए कर दिया मैंने मुस्कुराते हुए कहा और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू स्टे आई वेटिड हैव टी तो उन्होंने कहा रुको थोड़ी सी चाय ले लो मैं आई विल शो यू द गार्डन मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रंबलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज व्हील चेयर वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे कहते हैं उनका जो गार्डन था वो एक पार्क के जितना बहुत पार्क के जितना बड़ा था पर स्टीफन हॉकिंग जो मोटर से चलने वाली उनकी व्हील चेयर थी उस पर एक एक, एक इंच तक वो चले और मैं डोज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे मैं जब उनके रास्ते में आगे अड़ रहा था तो मैं उनके रास्ते से हटता गया वी कुड not टॉक वेरी मच हमने ज़्यादा बातचीत नहीं की The sun मेड हिम साइलेंट बल्कि सन ने सूरज ने उनको साइलेंट शांत कर दिया किस वजह से द लेटर्स ऑन द स्क्रीन डिस डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर क्योंकि जब वो ओपन में आए तो जो उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो लेटर्स जो वर्ड्स लिखे आ रहे थे सूरज की रोशनी में सन की वो ब्राइटनेस में वो जो लेटर्स थे वो डिस डिसअपियर हो रहे थे उनको पढ़ने मुश्किल हो रहे थे एन आर लेटर वी आर रेडी टू लीव आई डिड नोट नो वट टू डू आई कुड नोट किस हिम और क्राई एक घंटे बाद हम चलने के लिए तैयार हुए आई डिड नोट नो वट टू डू मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूँ आई कूडेंट किस हिम मैं ना उसे चूम सकता था ना मैं रो सकता था आई टस्ट हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इन टू द समर इवनिंग तो मैंने उनके शोल्डर को टच किया छुआ एंड व्हील्ड आउट इन द समर इवनिंग और अपनी व्हील चेयर पर गर्मी के मौसम में मैं बाहर आ गया I looked back and I knew he was waving though he was not. मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं जानता था मुझे पता था कि वह अपना हाथ हिला रहा था Watching him, an embodiment of my bravest self. उसे देखना Watching him, an embodiment of my bravest self. The one I was moving towards द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर तो वो कहते हैं उसे देखना मुड़ कर मैं जब उन्हें मुड़ कर देख रहा था और वो हाथ हिला रहा था जबकि वो हाथ नहीं हिला रहा था उसे देखना मेरा सबसे बहादुरी वाला काम था रूप था और उसे लेकर मैं चल फिर रहा था और वह रूप जिस पर मैं इतने सालों से विश्वास कर रहा था I had believed for so many years. I knew that my journey was over. और अब मुझे विश्वास था कि अब मेरी जर्नी जो मेरी यात्रा थी वो पूरी हो गई Thank you.